माय चैनल। होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो हो चुकी है नए दिन की शुरुआत एंड आज मैं थोड़े जल्दी उठ गई थी। उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि मैं रात को 12 बजे के बाद मैं सो गई थी एंड यहाँ पे हो रखी है जो है मोटर ख़राब हो रखी है तो पानी नहीं आ रहा है। कल भी नहीं आया था एंड आज भी यही प्रॉब्लम है। तो कल मैसेज आ गया था कि सुबह सुबह फ्रेश वाटर आता है तो स्टोर करके रखना होता है, तो वो आना था अभी 8:30 बजे तक ही। तो मैं उससे पहले उठ के मैंने पानी भी स्टोर कर लिया है, फ्रेश भी हो चुकी हूँ। तो अब होना है मैंने डिपार्टमेंट के लिए रेडी। वैसे मुझे लाइब्रेरी जाना है, मतलब डिपार्टमेंट वाली ही लाइब्रेरी जाना है। तो फिर करूँगी मैं नीचे जाके ब्रेकफास्ट एंड देन फिर निकल जाऊँगी डिपार्टमेंट के लिए। तो पहले जल्दी से मैं रेडी हो जाती हूँ एंड आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी मेरा पूरा दिन का शेड्यूल कि मेरा पूरा दिन मैं क्या क्या करती हूँ। तो जानने के लिए बने रहिए व्लॉग के एंड तक एंड जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जल्दी से रेडी होती हूँ एंड देन मिलती हूँ। चुकी हूँ रेडी डिपार्टमेंट के लिए एंड मैंने ये टी शर्ट सिंपल सी टी शर्ट वेयर की है एंड ये है ब्लैक जीन्स। तो इस तरह का मैंने कुछ वेयर किया है सिंपल सा लुक। तो हाउ एम आई लुकिंग? तो अभी मैंने लैपटॉप चार्जिंग पे लगाया है तो मैं सोच रही हूँ इसको फुल चार्ज होने देती हूँ एंड वॉच भी चार्जिंग पे लगी है तो थोड़ी देर में निकलती हूँ 10-15 मिनट में। तब तक सारा इधर उधर बेड वेड ये सेट कर लेती हूँ। तो पहले टी शर्ट मैं मुझे लिए हुई शायद 1 ईयर हो चुका होगा एंड काफ़ी टाइम से मैंने वियर नहीं की थी। तो ये काफ़ी प्यारी सी टी शर्ट है एंड इसका स्टफ काफ़ी अच्छा निकल गया। तो बटरफ्लाई, अभी मुझे नीचे जाके ब्रेकफास्ट भी करना है। सोच रही 10 मिनट मैं वेट करूँगी सिर्फ कि 10 मिनट तक देती हूँ लैपटॉप चार्ज होने एंड वॉच चार्ज होने, फिर मैं निकल जाऊँगी क्योंकि फिर नीचे जाके ब्रेकफास्ट करूँगी एंड फिर उसमें भी टाइम लग जाएगा। तो ये है, बाकी बैग वगैरह तो तभी पैक होगा जब मैं लैपटॉप डालूँगी। तो थोड़ी देर वेट करती हूँ एंड फिर निकलूँगी, चप्पल डाल लेती हूँ। ये देखो गाइस, बाहर लग चुकी है धूप एंड यहाँ से अंदर आ रही होती है मिरर के पास से एंड ये मेरा क्यूटी पाई है, बच्चा है जो हमेशा मेरे साथ रहता है। 9:30 होने वाले हैं तो मुझे निकलना चाहिए, तो मैं जल्दी से बैग पैक करती हूँ एंड निकलती हूँ। सारा सामान जो है वो डाल दिया है एंड गाइज मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने बाल जो है वो टाई कर लूँ बिकॉज गर्मी काफ़ी ज़्यादा है एंड बाहर धूप भी लग चुकी है। तो सो गाइज ब्रेकफास्ट में आया है परांठा और साथ में है चाय। सो गाइज ये देख सकते हो आप, बाहर अच्छी खासी धूप लग गई है तो अभी निकलते हैं। यहाँ पे है केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड ये सामने को है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ये वाला एंड ये है फिजिक्स डिपार्टमेंट। अभी सो पानी की बॉटल भी मैंने भर ली अभी वाटर कूलर से। तो
रही हूँ लंच करने, एक बज चुका है। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ अभी लंच करके एंड फिर से जा रही हूँ लाइब्रेरी। एंड लाइब्रेरी हो गई है ओपन क्योंकि 1 से 2 बजे तक लंच टाइम होता है, 2 बजे ओपन हो जाती है। तो अभी चलते हैं, फिर चलते हैं 5 बजे। सो गाइस अभी मैं निकल चुकी हूँ बिकॉज 5 बज गए हैं, तो लाइब्रेरी से आ गई हूँ। अब जाऊँगी सीधा हॉस्टल नहीं, पहले मेरी फ्रेंड भी आ रही है पीछे, वो कर रही है बैग पैक, तो मैंने कहा मैं चलती हूँ। और अभी जाएंगे हम पहले जूस पीने, तो पहले जूस पियेंगे एंड फिर उसके बाद मैं निकल जाऊँगी। गाइज ये आप देख सकते हो अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी एंड ये देखो यहाँ पे ये इसके पत्ते गीले हैं, बट इसमें पता नहीं चल रहा होगा, बट बारिश के बाद एकदम से तेज़ धूप लगी है तो बारिश का कुछ भी पता नहीं चलता यहाँ पे। अभी जूस पी लेते हैं। सो मैं पहुंच चुकी हूं अपने रूम पे जैसा कि आप देख सकते हो, तो अभी जस्ट पहुंची हूं थोड़ी देर पहले एंड थक गई हूं। अब जल्दी से फ्रेश होती हूं, फिर थोड़ी देर में डिनर का टाइम हो जाएगा एंड यहीं पे कर देती हूं मैं व्लॉग का एंड। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।